तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है राघव के ब्लॉग्स में। और दोस्तों, मैं हूँ अभी वर्तमान में बीपीएससी टीचर और यहाँ मुंगेर जिला में मैं पोस्टेड हूँ। और दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आप लोगों की छोटी सी हेल्प के लिए, और लास्ट के अंतिम दिनों में मैंने क्या पढ़ा था और आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं लास्ट के दिनों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और जो भी नंबर से चूक रहे हैं हल्के से वो नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मैंने पढ़ा था, अपना खुद का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट के दिनों में देखिए, मैंने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब किए जा सकते हैं, फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, डायरेक्टली सीधा सीधा आती हैं। तो आप जो है करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ें। कहाँ से पढ़नी है तो मैंने जैसे कि बताया था, करंट अफेयर्स पढ़नी है आपको स्पीडी से पूरा चार्ट मारिए। लास्ट का जो भी है पार्ट्स मैंने बताया था आपको क्या पढ़ना है, वन लाइनर वाली चीज़ें पढ़नी है, और इसके साथ साथ आपको जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, वस्तुनिष्ठ वाले, उन पे टिक लगा के लगभग 30 पन्ने, शुरुआत के 30 पन्ने जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं करंट अफेयर्स में वो रट मारने हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो पहली बार हुआ है उसमें पोर्शन होता है, आप जो इंडेक्स बना होता है ना, भारत में, भारत एवं विश्व में प्रथम, करंट अफेयर्स में भारत एवं विश्व में प्रथम, वहाँ से आप उस पर जो है वो वाला पन्ना जरूर पढ़िएगा। आई थिंक मुझे याद है शायद 17 नंबर पर होता है। हालांकि आप स्पीडी की करंट अफेयर्स उस पर इंडेक्स में देखिएगा कि भारत एवं विश्व में प्रथम, ये सब जो घटनाएं होती हैं वो जरूर देखिएगा। दूसरी चीज़ क्या पढ़नी है आपको दोस्तों, जो प्रमुख कंपनियों के CEO वगैरह हैं उनको तो जरूर ही पढ़ना है, ठीक है? तो ये चीज़ें जरूर पढ़िएगा। देखिए, और पीछे का जितना भी दे रखा है सब रट मारिए, सब रट मारिए, ठीक। और CEO वगैरह आप देख सकते हैं, जैसे कि WTO का हो गया, WHO के हो गए, है ना, और अभी मेरे में ट्विटर वाला आया था, है ना, तो ये सारी सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। और बढ़िया तरीके से ऐसे रट के जाइए, रटने को मैं ज़्यादातर बोलता हूँ चाटना, मतलब एकदम चाट के जाइए, बिल्कुल A to Z, कोई भी चीज़ में चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है आप करंट अफेयर्स तो पढ़िए ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। और दोस्तों, एक फास्ट रिविजन के लिए मैं दिल से बता रहा हूँ, आप लोग कोई इच्छुक हैं तो ही देखिए हमसे संपर्क कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद रियलाइज़ किया है। और आपके सामने जो है एक कोई टीचर नहीं बैठा हुआ है, एज एक आप लोगों की तरह जो स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट ही बैठा हुआ है, जो उसने फेस किया है, आप लोगों के भी टाइम पे आने वाला है। और कहीं ना कहीं जो मैंने किया है और आज वर्तमान में मैंने जो है आपको पता होगा 81 नंबर मेरे हैं, आपने वीडियो में नहीं देखा है तो देख लीजिएगा मेरा स्कोर कार्ड, 81 नंबर है मेरे 120 में से। और आप पेपर का लेवल देख सकते हैं, पेपर का लेवल रियल में काफ़ी ज़्यादा टफ आया था, आपने किसी के भी मुंह से सुना होगा। और आप लोग में से भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पिछला वाला जो BPSC का टीचर वाला 1 to 5 के लिए था वो वाला एग्ज़ाम दिया होगा। रियल में लग रहा था ये टीचर का एग्ज़ाम नहीं है, ये रियल में लग रहा था भाई साहब कि IAS PCS का एग्ज़ाम है, स्टेट PCS का है किसी का, तो मतलब काफ़ी टफ था। तो जो है उसमें भी थोड़ा सा, देखो मैं दिल से बताऊँ, अभी भी मुझे आप पेन पेपर दे दीजिए, अभी भी मैं उस पेपर में 75 नंबर कर दूंगा। एक भाई ने कमेंट किया था कि जो है आपने भी 20 तुक्के मारे हैं लगभग, ये 75 नंबर मेरे सही थे और बाकी जो 6 मेरे तुक्के लगे थे उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, तो 81 नंबर मेरे बने थे, ठीक, उसमें कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं भैया। और जो जाहिर सी बात, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं भाई, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो सारे सारे पे लगाइए, अब जो भी बनेगा आपका नंबर आपके ही तो इसमें प्लस पॉइंट भी तो आएगा ना। तो 6 मैं मानता हूँ, 6 मैंने तुक्के मारे थे और 75 नंबर्स का मैंने हल कर लिया था, मैथ, रीजनिंग, GS, करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ें साइंस वाइंस मिला के ऐसे सब कुछ हो गया था भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से और किताबों के आशीर्वाद से, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये मानता हूँ। देखो, भगवान के साथ साथ सबसे अच्छा जो आशीर्वाद होता है वो किताबों का ही होता है, ठीक। तो वहाँ से जो है मैंने सब कुछ चीज़ें पढ़ी थी। एंड के टाइम में दोस्तों मैंने क्या, मैंने अभी बताया करंट अफेयर्स, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। करंट अफेयर्स के लिए एक मैं चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल दे दूंगा, वहाँ से मैंने जब मैं ट्रेन में जा रहा था, दिल से बताऊँ भाई साहब, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है और ना ही मैं किसी चैनल का प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं दिल से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक। जब मैं ट्रेन में जा रहा था तो मैंने उनकी वीडियो मैंने 2 से 3 बार देखी थी, उससे मेरे 3 से 4 क्वेश्चन फंसे थे। और ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं होती हैं उनकी, ठीक, लगभग 1 घंटे की कोई वीडियो थी लास्ट 6 महीने की, मैंने उसको देख डाला था। अभी मुझे चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो चैनल सर्च करके डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा वो चैनल और कहीं ना कहीं उसकी जो भी वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा, मतलब जो पिछले 6-7 महीने की करंट अफेयर्स हों। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इतना बेहतरीन बताया गया उसमें
कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। वो वहाँ से मैंने तीन चार बार देख ली थी। ऐसे मान लीजिए कि मैंने जब मैं ट्रेन में जब गया था, एक डेढ़ घंटे की वीडियो थी, इतनी मैंने चाट मारी थी पूरी वीडियो के। वो वहाँ एक मेरे भाई मिल गए थे साथ में ही कानपुर के एक भैया, तो वो हमने उनसे कहा, खुली छूट दे दी, तो हमने कहा लो ये रही वीडियो। उस वीडियो में लगभग क्वेश्चन रहे होंगे ऐसे मे बी 500-600 क्वेश्चन रहे होंगे। तो मैंने कहा आप इसमें से मुझसे कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। तो वो पूछते थे, जैसे क्वेश्चन का पहला तीसरा वर्ड बोलते थे तब तक मैं आंसर बता देता था। तो इस तरीके से मैंने एकदम चार्ट मारा था सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ से आप बोलो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताई दिया, स्पीडी से भी पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट के टाइम में किया और जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है काफ़ी ज़्यादा, मेरे पास एक स्पेशल PDF है, उसको मैं कहता हूँ जादुई PDF। क्या जादुई PDF एक मेरे पास है, बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ मेरे लिए। और अगर आप वो लास्ट के दिनों में थोड़ा सा रिवाइज करके चले जाते, मतलब थ्रू आउट चीज़ें हैं आप पढ़ोगे, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन होगा, और मेरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम में भी बहुत बेहतरीन करके आओगे, ये मेरा वादा है। तो आप जो है उसको अगर लेना चाहते हैं, दिल से मैं बताऊं, देखिए फ्री नहीं दूंगा मैं, किसी को भी फ्री नहीं दूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप फ्री देते हैं, तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी आपके पास PDF पड़ी होंगी, इतनी बहुत सारी पड़ी होंगी जो फ्री होती हैं, लेकिन इंसान उसको एक दो बार तीन बार खोलने के बाद जो है उसको कभी खोलता तक नहीं है। इसलिए जो है हर चीज़ का एक मोल होना चाहिए, है ना। अगर आप इच्छुक हैं तो, और अंतिम दिनों में अपनी तैयारी पर चार चांद लगाना चाहते हैं, और जो देखिए अच्छे नंबर लाना चाहते हैं रियल बताऊँ, तो आप उसको पढ़िएगा, आपको रियल में लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद नहीं गया है, तो आप इस PDF को मतलब ले सकते हैं। या मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं वो PDF, ठीक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका अगर आपको पसंद नहीं आती है वो PDF पसंद नहीं आती है, तो आप हमें जो है बताइएगा, हमें भैया आपकी PDF अच्छी नहीं लगी, तो मैं उसको आप डिलीट मार दीजिएगा अपने फ़ोन से, और आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। उस PDF का केवल प्राइस है ओनली 49 रुपये, केवल 49 रुपये, ठीक। तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत बेहतरीन करके आए, क्योंकि लास्ट के दिनों में मैंने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, और रियल में क्या हुआ कि उससे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। क्योंकि क्या है, उस PDF में है क्या दोस्तों, खास क्या है उस PDF में, जो भी आपके बिहार की चीज़ें हैं, जो भी बिहार की चीज़ें हैं, बिहार का चाहे इतिहास हुआ, बिहार के जो स्पेशल व्यक्तित्व हुए, बिहार के जो भी सब्जेक्ट्स हुए हैं ना, तो जो नॉर्मल यानी कि जो BPSC पूछता है ज़्यादातर अपने एग्जाम में, BPSC ने अभी ये एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया, इससे पहले 1999 में कंडक्ट कराया था टीचर का, और 1994 बैच वाले मतलब कैंडिडेट का करवाया था BPSC ने। तो जो BPSC मतलब पूछता है, चाहे वो अपना स्टेट PCS हो गया, फिर किसी अधिकारी रैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, तो उसको लेवल का कहीं ना कहीं उसमें सब कुछ मटेरियल है, ठीक है। और ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि BPSC कराएगा जाहिर सी बात है वो उस हिसाब से रखेगा। तो आप चाहें तो ये PDF हमसे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ये देखिए, ये एक नंबर आ रहा है, यही मेरा WhatsApp नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है, और यही मेरा फ़ोनपे नंबर है। आंखें मीच के आप ले लीजिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे बेचने नहीं आया हूँ, लेकिन आपकी छोटी सी हेल्प करने आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक सिलेक्टेड कोई टीचर नहीं हूँ, मैं मतलब एक कोई टीचर नहीं हूँ जो पढ़ाता हूँ आप लोगों को या यूट्यूब आके, मैं नॉर्मली एक कैंडिडेट हूँ और सिलेक्ट यहाँ होके आया हूँ, कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, तो और बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। तो आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, केवल मेरे इस नंबर पे कीजिए, 49 रुपीज़ आपको PDF मिल जाएगी, बहुत बेहतरीन PDF है। आप उसको पढ़ेंगे तो रियल में लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है चाहे। और मैं एक छोटा सा सजेशन ये देना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस PDF को ले, देखिए अपने फ़ोन में अपने लैपटॉप में मत पढ़िएगा, अपने टैबलेट अपने फ़ोन इसमें लैपटॉप में मत पढ़िएगा। मैं सभी से थोड़ा सा रुपया खर्च कर लेना, ज़्यादा नहीं 100-150 रुपये के आसपास खर्च होंगे, और उसका आप हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, स्पायरल वगैरह बनवा लीजिएगा, या फिर जो है तब उसको पढ़िएगा, और फिर रियल में देखना आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, और मेरा ये मानना है। बाकी मेरी बेस्ट विशेज आप सभी लोगों के साथ में है, और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को, और ऑल दी वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है और किसी भी तरीके की, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप अपना बड़ा भाई या छोटा भाई या फिर तो दोस्त कुछ भी मान सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन था, अंतिम दिनों में आप ये चीज़ें पढ़िए, आपको कारगर साबित होगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, ठीक है। जो चैनल बताया है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे दूँगा, बाकी ये है मेरा नंबर, और यही फ़ोनपे नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी में अगर व्हाट्सएप पे शो नहीं होता है तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, हम सेव करके तब आपके पास प्रोवाइड करा देंगे।
सिंपल सा फंडा है, पे करिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। बस इतना है, आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के समक्ष आके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानकारी के साथ और या फिर किसी ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।